अमृता किचन में आपका स्वागत है। आज हम ब्रेड पकौड़े बनाने जा रहे हैं और आइए देखिए हम कैसे बनाते हैं और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये हमने स्लाइस ब्रेड स्लाइस ले लिए और ये एक कटोरी बेसन है, 2 चम्मच हरा धनिया जो हमने 2 काट के और 2 लिए, ये जीरा पाउडर है, ये अजवाइन है और ये बेकिंग सोडा है, ये नमक लाल मिर्च और गरम मसाला है और ये थोड़ी सी पिंच वो लेंगे हल्दी। आइए शुरू करते हैं। बेसन पहले हम घोलेंगे, नमक लाल मिर्च गरम मसाला हल्दी जीरा पाउडर अजवाइन बेकिंग सोडा। हम ऐसा घोलेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और जिससे गुठलियाँ ना पड़ें। अब हमने घोल बना लिए, अब हम धनिया डालेंगे हरा, हमने नमक मिर्च जो मसाले डाले हैं तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो जितने आपको चाहिए। ऐसे गोल बनाना है। हम त्रिकोण टाइप काटेंगे, आप चौरस भी काट सकते हो और गोल भी कटिंग ले सकते हो। हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो गया, अब हम ब्रेड बनाएंगे। कच्चा ना रह जाए इसलिए हम बना रहे हैं, अच्छी तरह सीख जाएंगे फिर हम प्लेट में निकालेंगे। अब हमारे ब्रेड पकौड़े बन गए हैं, अब हम इसको बाहर निकालेंगे ऐसे अच्छी तरह निदार के रिफाइंड को, फिर बाहर निकालेंगे। टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे ताकि ये तेल सोख लेगा और एक एक कर। अब हम इसी तरह सारे गोल के ब्रेड पकौड़े बना लेंगे। हमारे पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं बेसन वाले, तो अब हम निकालेंगे इसको। अब प्लेट में हम सर्व करेंगे।
हमने ब्रेड पकौड़े तल के और प्लेट में रख लिए और बनने में बहुत अच्छे बने हैं और कम समय में बने हैं। और कभी आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाए या फिर कोई मेहमान आ जाए तो आप जल्दी बना के खिला सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, शाम के टाइम में खा सकते हैं या नाश्ते में भी बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।